हमास और इसराइल के बीच युद्ध जारी है। अभी तक लगभग 4000 लोगों की जान जा चुकी है। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने हमास से बिना किसी शर्त के बंधकों को तत्काल रिहा करने को कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में गुतेरेस ने मानवीय अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं दो मानवीय अपील करना चाहता हूं, एक हमास से और दूसरा इसराइल से। हमास को बिना किसी शर्त के बंधकों को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। वहीं गाजा में नागरिकों को मानवीय सहायता देने के लिए इसराइल बेरोकटोक पहुँच प्रदान करे। गुतेरेस ने कहा कि इन दोनों ही हालातों में किसी सौदेबाजी की जरूरत नहीं है। दोनों को तुरंत यह लागू कर देना चाहिए क्योंकि यह सही काम है। गाजा में पानी, बिजली और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है। दरअसल इसराइल में अभी तक 1400 लोगों की जान गई है, जबकि 3900 से अधिक घायल हैं। वहीं गाजा पट्टी में करीब 2500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इससे पहले इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा था कि एक अनुमान के अनुसार गाजा पट्टी में हमास ने 150 से 200 इजरायलियों को बंधक बनाकर रखा है। उन्होंने कहा था कि वह बंधक बनाए गए लोगों का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं।